देखो 5D क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए डैश का डैश इक्वल टू ए, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो देखो, गिवन क्या है तुम्हारे पास, ए इक्वल टू 2 - 3 5 0 7 -4 ये ए है, ठीक है। तो देन ए डैश, ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं, जो कॉलम है वो रो बन जाता है। तो पहला रो क्या है, 2 - 3 - 5 वो पहला कॉलम बन जाएगा, 2 - 3 - 5 और दूसरा रो वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तो 0 - 7 - 4, ठीक है। ये तो ए डैश आ गया तुम्हारा, वापस ए डैश का डैश अपने को निकालना है एंड ए डैश का डैश, तो वापस इसका डैश निकालेंगे तो फिर से रो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा हमारा। तो अभी क्या हो गया तुम्हारा, पहला रो 2 0 ये कॉलम बन गया 2 0, दूसरा रो -3 7 ये कॉलम बन गया, तीसरा रो 5 - 4 ये भी क्या बन गया, कॉलम बन गया, ठीक है। ए डैश का डैश, तो दिस इम्प्लाइज ए डैश का डैश, देखो तो ये ए ही है ना, ए डैश इक्वल टू ए, ये हमारा प्रूफ हो गया, आया समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई दैट 2A का होल डैश इक्वल टू 2A डैश। तो चलो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग 2A निकालते हैं फिर उसका डैश निकालेंगे। तो 2A क्या हो जाएगा, 2 और A जो है तुम्हारा 3 5 - 2 0 4 - 6, ठीक है। ये 2A आ रहा है तुम्हारा, तो देखो 2A कितना, 2 से हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 2 5 10 2 2 -4 2 0 0 2 4 8 2 6 - 12, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, 2A आ गया। तो देन 2A का डैश, 2A का डैश, तो 2A का डैश क्या, ये 2A है, डैश का इसका जो है रो वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो पहला रो है 6 10, तो वो पहला कॉलम बन गया 6 10, दूसरा रो है -4 0 ये दूसरा कॉलम बन गया, और 8 - 12 ये तीसरा कॉलम बन गया, ये 2A डैश आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड में एंड ए डैश, तो ए क्या है तुम्हारा, ए क्या है तुम्हारा 3 5 - 2 0 4 - 6, तो देन अगर ए इतना है तो ए डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो पहला रो है पहला कॉलम बनेगा, 3 5 हो जाएगा, -2 0 हो जाएगा, 4 - 6 हो जाएगा ए डैश, एंड 2A - 3 - 2 4 - 5 - 6, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6 - 2 2 4 2 4 8 और यहाँ 2 5 10 2 0 0 और ये -2 है, ये ले लो नंबर 2। अब देखो 1 और 2 दोनों सेम है, ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सेम है तो हम लोग लिख पाएंगे 10 2A का डैश इक्वल्स टू 2A डैश, और यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है, समझ में आ गया। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए और बी दिया हुआ है, वेरीफाई करना है ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। चलो सॉल्यूशन गिवन, देखो ए का वैल्यू क्या है अपने पास 3 2 - 1 और -5 0 - 6, ये ए का वैल्यू है। एंड देखो तो बी का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास -4 - 5 - 2 और 3 1 8, ये बी का वैल्यू, ठीक है। तो देन तब ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो 3 2 - 1
माइनस फाइव जीरो माइनस सिक्स एंड बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा माइनस फोर माइनस फाइव माइनस टू थ्री वन एट, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ए डैश आ गया और बी डैश भी आ गया। अब हमको क्या करना है, LHS लेना है। LHS में क्या है तुम्हारा, a प्लस बी का डैश है, ठीक है। तो चलो a प्लस बी का डैश हम लोग देखते हैं। तो 9 a प्लस बी इक्वल्स टू थ्री टू माइनस वन माइनस फाइव जीरो माइनस सिक्स प्लस बी का वैल्यू देखो कितना है, बी का वैल्यू है माइनस फोर माइनस फाइव माइनस टू थ्री वन एट, बी का वैल्यू इतना है। तो इक्वल्स टू अगर प्लस कर लें तो क्या हो जाएगा, थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस फोर क्या हो रहा है माइनस वन, टू प्लस माइनस माइनस फाइव टू माइनस फाइव कितना हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू वो भी हो जाएगा माइनस थ्री, और फाइव माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस टू, जीरो प्लस वन वन माइनस सिक्स प्लस एट कितना रहा है टू, ए प्लस बी तुम्हारा इतना आ गया इतना। देन अगर हम ए प्लस बी का डैश कर लें तो ये जो है इसका रो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस वन माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस टू वन टू, ये आ गया इक्वेशन वन, ये आ गया ए प्लस बी का डैश। अगेन फिर से ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश ए देखो हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, थ्री माइनस फाइव टू जीरो माइनस वन माइनस सिक्स, ठीक है, और प्लस बी डैश देखो यहाँ से माइनस फोर थ्री माइनस फाइव सॉरी ये वन है माइनस टू एट, ये वन है, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो चलो देखो इसको प्लस कर रहे हैं, थ्री प्लस माइनस फोर क्या था माइनस वन, माइनस फाइव प्लस थ्री कितना रहे माइनस टू, और टू माइनस फाइव कितना रहे माइनस थ्री, जीरो प्लस वन तो वन आ गया, माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री आ गया, माइनस सिक्स प्लस एट कितना आ गया टू, ये है तुम्हारा इक्वेशन टू। देखो तो वन और टू दोनों इक्वल है, हम लोग लिख पाएंगे फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, एक और दो से हम लोग को क्या मिला, ए प्लस बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, ये हो गया तुम्हारा रूट। आया समझ में, तो चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर सेम थर्ड के तरह का ही है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी। तो चलो देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास गिवन, वो जो है p इक्वल टू क्या है देखो तुम्हारे पास p इक्वल टू थ्री फोर टू माइनस वन जीरो फाइव प्लस q इक्वल टू, अच्छा सॉरी ये p है ना, एंड q देखो कितना है तुम्हारे पास, q है तुम्हारा सेवन माइनस फाइव माइनस फोर जीरो टू सिक्स, ये p और q है। तो देन p डैश निकाल रहे हैं, तो जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, तो थ्री टू जीरो और फोर माइनस वन फाइव एंड q डैश इक्वल्स टू सेवन माइनस फोर टू माइनस फाइव जीरो सिक्स, p डैश और क्या हो गया तुम्हारा q डैश हो गया, ठीक है। तो नौ अब देखो p प्लस q इक्वल्स टू थ्री फोर टू माइनस वन जीरो फाइव प्लस क्यू क्या है तुम्हारा सेवन माइनस फाइव माइनस फोर जीरो टू सिक्स, और इसको प्लस कर दें तो थ्री प्लस सेवन कितना आ गया टेन, फोर प्लस माइनस फाइव कितना आ गया माइनस वन, टू माइनस फोर कितना आ गया माइनस टू, माइनस वन प्लस जीरो कितना आ गया माइनस वन, जीरो प्लस टू कितना आ गया टू, फाइव प्लस सिक्स कितना आ गया इलेवन, पी प्लस टू इतना आ गया, ठीक है। तो देन p प्लस क्यू का डैश अगर हम लोग करना चाहें तो क्या आ जाएगा, इसका इंटरचेंज कर देंगे रो और कॉलम को, तो चलो कर देते हैं। तो पहला रो क्या बन जाएगा 10 माइनस टू टू, और दूसरा रो माइनस वन इलेवन,
ये आ गया तुम्हारा p प्लस q का डैश, ठीक है। अगेन अब अपने को क्या करना है, दूसरा पार्ट p डैश प्लस q डैश चाहिए, ठीक है। अगेन p डैश प्लस q डैश, तो देखो p डैश हमने पहले ही निकाल के रखा है 3 2 0 4 माइनस 1 5, और q डैश देखो यहाँ पे q डैश भी हम लोगों ने निकाल के रखा है 7 माइनस 4 2 माइनस 5 0 6। चलो इसको प्लस कर लेते हैं, 3 प्लस 7 10 2 और माइनस 4 माइनस 2 0 प्लस 2 2 4 प्लस माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 5 प्लस 6 11। ये रहा सेकंड, देखो तो फिर से फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या हम लोग को पता चलता है p प्लस q का डैश इक्वल्स टू p डैश प्लस q डैश, ठीक है। और यही अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो से हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, चलो फिफ्थ पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिफ्थ पर चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है, इफ a सो दैट a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक के बारे में क्या जानते हैं, कि अगर a डैश इक्वल्स टू a हो जाए, किसी मैट्रिक्स का हम लोग अगर ट्रांसपोज निकालें और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है तुम्हारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, ए इक्वल्स टू 4 1 5 8। तो देन अगर हम लोग ए डैश निकालेंगे तो रो कॉलम आपस में इंटरचेंज होगा, तो 4 1 नीचे चला गया, 5 8 ये हो गया ए डैश, तो 9 a प्लस ए डैश इक्वल्स टू 4 1 5 8 अब प्लस, ठीक है 4 5 1 8। तो चलो इसको ऐड कर दो, 4 प्लस 4 कितना रहा 8, 1 प्लस 5 कितना रहा 6, 5 प्लस 1 कितना रहा 6, 8 प्लस 8 कितना रहा 16। तो a प्लस ए डैश कितना आ गया, देन a प्लस ए का डैश इक्वल्स टू a प्लस ए का डैश, इसका डैश निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 8, और ये पहला रो पहला कॉलम, ये रो ये कॉलम बन गया, और ये रो ये कॉलम 6 16। अब थोड़ा देखो ध्यान, और ये किसके बराबर है, ये तो वापस आ गया तुम्हारा a प्लस ए डैश के बराबर, तो दिस इम्प्लाइज a प्लस ए का डैश इक्वल्स टू a प्लस ए डैश का डैश इक्वल्स टू a प्लस ए का डैश, ठीक है। इसका डैश इसके बराबर आ गया, तो दिस इम्प्लाइज a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक का यही होता है, अगर a डैश इक्वल टू a हो जाए तो a सिमेट्रिक, a प्लस डैश का डैश इक्वल टू a प्लस a डैश हो गया, तो a प्लस a डैश क्या हो गया तुम्हारा, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक है इसमें, ठीक है। क्या कह रहा है तुम्हारा, a प्लस a माइनस a का डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है, a डैश इक्वल टू अगर माइनस a हो जाए, a को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन, देखो क्या दिया है तुम्हारे पास, a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 ये दिया होगा, ठीक है। तो देन a डैश कितना है तुम्हारे पास, a डैश है 3 माइनस 4 1 माइनस 1 9। अब हम लोग को क्या करना है, a माइनस a डैश निकालना है, तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1 अब माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 1। तो थोड़ा देखो ध्यान से, 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, माइनस 4 माइनस 1 क्या आ गया माइनस 5, 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो 1 प्लस 4 कितना गया 5, 1 माइनस 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 प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 0 ये आ गया। तो देन क्या हो जाएगा, a माइनस a डैश कितना आ गया, तो देन a माइनस a डैश का अगर हम लोग डैश निकालने का कोशिश करें तो क्या आएगा, ये a माइनस a डैश के रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पहला रो पहला कॉलम बना देते हैं और दूसरा रो दूसरा कॉलम बना देते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा। तो ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो हर एक से कॉमन निकलेगा माइनस, तो जीरो से माइनस कॉमन निकलेगा तो जीरो ही रह गया, फाइव से माइनस कॉमन निकला माइनस फाइव, और माइनस फाइव से कॉमन निकला तो फाइव, जीरो से तो जीरो ही लग गया, ठीक है। अब थोड़ा देखो ध्यान से, ये पूरा अगर ये माइनस इधर हट गया, ये पूरा का पूरा देखो तो क्या a माइनस a डैश है, ये दोनों सेम है ना, ये माइनस a डैश,
तो सिंस ए माइनस ए डैश का डैश बराबर माइनस ए माइनस ए डैश, ठीक है, ए माइनस ए डैश का डैश इक्वल टू माइनस ए डैश हो गया, ठीक है, बिल्कुल ए डैश बराबर माइनस ए की तरह हो गया। तो अगर ए डैश बराबर माइनस ए है तो एक्सक्यूज मैट्रिक्स, यहाँ ए माइनस ए डैश का डैश बराबर माइनस ए डैश है, तो देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया बात, हो गया हमारा प्रूफ। चलो छः के बाद हम लोग अब सात नंबर में आते हैं। सेवन में भी क्या करना है तुमको, देखो एक मैट्रिक्स है ए, प्रूफ करना है कि ये एक्सक्यूज मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स है इसको प्रूफ करना है कि क्या तुम्हारा एक्सक्यूज मैट्रिक्स मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन गिवन ए इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान दो, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, ये ए है हमारा, ठीक है। तो देन ए डैश इक्वल्स टू, चलो जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे, जीरो ए बी पहला रो पहला कॉलम बन गया, माइनस ए जीरो सी दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, माइनस बी माइनस सी जीरो तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्योंकि स्क्यूज मैट्रिक बनाना है हमको, तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस कॉमन ले लिए, तो सबसे माइनस कॉमन हो गया जीरो, माइनस ए से प्लस ए हो गया क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, माइनस बी से बी बन गया क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, ए से माइनस कॉमन लिए तो माइनस ए बना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, किसी भी प्लस में दो माइनस होता है तो ये प्लस है दो माइनस होता है, इसमें एक माइनस बाहर निकाले यहाँ बच गए, ये जीरो, माइनस सी से सी बचा, बी से माइनस बी बचा, सी से माइनस सी बचा और ये जीरो हो गया, ठीक है। अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो ए डैश इक्वल टू माइनस, और ये पूरा का पूरा क्या है, वापस देखो ए ही है, जीरो ए बी जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो माइनस बी माइनस सी जीरो, ये हो गया तुम्हारा ए डैश इक्वल टू माइनस। आज हम लोग क्या जानते हैं, अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो गया तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ये क्या है तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर एट क्या है, सॉल्यूशन तेरा एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोल रहे हैं किसी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में फॉर्म में लिखना है, सम के फॉर्म में। तो गिवन जो तुम्हारे पास दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास, टू थ्री माइनस वन फोर, ठीक है, विथ देन ए डैश निकाल लेते हैं हम लोग, तो ए डैश क्या होता है, टू थ्री माइनस वन ए डैश है, टू यहाँ आ जाएगा, ये थ्री हो जाएगा यहाँ पे, पहला रो पहला कॉलम बना, माइनस वन ये माइनस वन है और ये रहा फोर, तो टू थ्री माइनस वन और ये रहा फोर, ठीक है। अच्छा, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट ए इक्वल्स टू वन बाई टू ए प्लस ए डैश प्लस वन बाई टू ए माइनस ए डैश। अच्छा देखो, एक मैट्रिक्स को देखो, ये ध्यान से देखो, हम ए ही लिखे हैं, ये वन बाई टू ए डैश और माइनस वन बाई टू ए डैश तो कट जाएगा, वन बाई टू ए प्लस वन बाई टू ए बच जाएगा, है ना, एक्चुअली ये ए ही लिखे हैं, बट इसमें खासियत क्या है कि ए वन ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो वन बाई टू ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो जाएगा और वन बाई टू ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जब भी हमको किसी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू वन बाई टू ए प्लस ए डैश प्लस वन बाई टू ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू वन बाई टू, तो यहाँ रहने देते हैं, ए लिख लेते हैं यहाँ पे, टू थ्री माइनस वन फोर वन थ्री फोर, ठीक है, प्लस वन बाई टू, ए देखो क्या है तुम्हारा, टू थ्री माइनस वन फोर और माइनस टू माइनस वन थ्री फोर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू वन बाई टू, तो भी ठीक है रहने देते हैं, टू प्लस टू आ गया फोर, थ्री माइनस वन आ गया टू माइनस वन टू, फोर प्लस फोर कितना आ गया एट, ठीक है, तो ये हो गया। अब प्लस वन बाई टू यहाँ माइनस कर लेते हैं, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस माइनस प्लस वन फोर, माइनस वन माइनस थ्री तो माइनस फोर, और फोर माइनस फोर क्या आ गया जीरो, तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू कितना आ रहा है, वन बाई टू से मल्टीप्लाई करो, वन बाई टू इंटू फोर कितना आ रहा है टू, वन बाई टू इंटू टू वन, वन बाई टू इंटू टू वन और ये रहा फोर, ठीक है, और प्लस जीरो
फोर को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू माइनस टू जीरो। देखो एक सिमेट्रिक और एक क्या है तुम्हारा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमने ए को क्या किया सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा दोनों को ऐड मत कर देना, ऐड करेंगे तो वापस यही मिलने वाला है अपने को, ठीक है। हमको बोला है कि इस मैट्रिक्स को ए को जो है ना दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखो जिसमें एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ गया बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। देखो क्वेश्चन नंबर नाइन भी सेम एट के तरह का ही है, इसमें भी हमको क्या करना है इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है। तो गिवन ए क्या है तुम्हारे पास, गिवन ए जो है तुम्हारे पास वो क्या है तुम्हारा थ्री माइनस फोर वन माइनस वन, देन तब ए डैश देखो क्या होगा तुम्हारे पास थ्री और माइनस फोर यहाँ आ जाएगा, वन और माइनस वन यहाँ आ जाएगा, ऐसा आ गया। वी नो दैट, अच्छा अपन लोग जानते हैं, वी नो दैट ए इक्वल्स टू वन बाई टू ए प्लस ए डैश प्लस वन बाई टू ए माइनस ए डैश, ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू वन बाई टू, ए देखो क्या है तुम्हारा थ्री माइनस फोर वन माइनस वन, प्लस ए डैश देखो क्या है तुम्हारा थ्री वन माइनस फोर माइनस वन, प्लस वन बाई टू ए क्या है तुम्हारा थ्री माइनस फोर वन माइनस वन, और माइनस ए डैश क्या है तुम्हारा थ्री वन माइनस फोर माइनस वन, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू वन बाई टू, थ्री प्लस थ्री कितना आ रहा है सिक्स, माइनस फोर प्लस वन कितना आ रहा है माइनस फोर प्लस वन कितना आ रहा है माइनस थ्री, ठीक है। वन माइनस फोर क्या आ रहा है तुम्हारा माइनस थ्री, माइनस वन प्लस माइनस वन कितना आ रहा है माइनस टू, और प्लस वन बाई टू तो रहने ही दो, थ्री माइनस थ्री क्या आ गया जीरो, माइनस फोर माइनस माइनस प्लस फोर ये भी तो जीरो ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखना है एक्चुअली दोनों सेम ही लिख दिए हमने, यहाँ पे a माइनस ए डैश, ए डैश क्या है थ्री, और ये वाला चीज़ जो है ना ये माइनस फोर है और ये माइनस वन है और ये वन है, ये वाला चीज़ क्या है तुम्हारा वन है, ठीक है ये वाला चीज़ वन है। तो थ्री माइनस थ्री जीरो, माइनस फोर माइनस वन कितना आ रहा है माइनस फोर आ रहा है, सॉरी माइनस फाइव आ रहा है, और वन माइनस माइनस प्लस फोर फाइव आ रहा है, माइनस वन प्लस वन ये जीरो आ रहा है, ठीक है। तो देखो ए का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा वन बाई टू, अच्छा वन बाई टू से तो अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो वन बाई टू इंटू सिक्स थ्री माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू और माइनस वन, ठीक है ये आ गया। अब प्लस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करो जीरो माइनस फाइव बाई टू, फाइव बाई टू जीरो, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने ए को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख दिया, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर टेन पर। ये भी तुम्हारा वही सेम क्वेश्चन है ना, बट ये थ्री बाई थ्री का है और कुछ नहीं है, तो ध्यान से बस बनाएंगे, बहुत इजी है। गिवन ए देखो क्या है तुम्हारे पास माइनस वन फाइव वन टू थ्री फोर सेवन जीरो नाइन, देन ए डैश देखो कितना है तुम्हारे पास, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा माइनस वन फाइव वन, दूसरा रो दूसरा कॉलम टू थ्री फोर, तीसरा रो तीसरा कॉलम सेवन जीरो नाइन, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा आप थोड़ा ध्यान से देखो ए डैश इतना आ गया, वी नो दैट ए इक्वल्स टू वन बाई टू ए प्लस ए डैश प्लस वन बाई टू ए माइनस ए डैश, ठीक है। ए को ऐसा लिख दिया ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू वन बाई टू, ए लिख लेते हैं पहले माइनस वन फाइव वन टू थ्री फोर सेवन जीरो नाइन, और प्लस ए डैश माइनस वन टू सेवन फाइव थ्री जीरो वन फोर नाइन, ठीक है, और प्लस वन बाई टू ए माइनस ए डैश, ए लिख लो पहले माइनस वन फाइव वन टू थ्री फोर सेवन जीरो नाइन, और माइनस माइनस वन टू सेवन फाइव थ्री जीरो वन फोर नाइन, ठीक है ऐसा आ गया। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा वन बाई टू।
तो ए इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 1/2। अच्छा आप इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो प्लस करेंगे तो देखो कितना आ रहा है तुम्हारे पास, -1 -1 -2, 5 + 2 कितना आ रहा है 7, 1 + 7 कितना आ रहा है 8, 2 + 5 = 7, 3 + 3 = 6, 4 + 0 = 4, 7 + 1 = 8, 0 + 4 = 4, ठीक है, और 9 + 9 = 18, ये हो गया। अब प्लस 1/2, थोड़ा देखो ध्यान से, -1 -1 = 0, -1 -1 = 0, 5 - 2 = 3, 1 - 7 - 6, 2 - 5 - 3, 3 - 3 = 0, 4 - 0 = 4, 7 - 1 = 4, ठीक है, और 0, 7 - 1 = 6 आ जाएगा, 7 - 1 = 6, 0 - 4 - 4, और 9 - 9 कितना रहा है 0, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। तो चलो देखो ए इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, -1 - 7/2 = 4, और यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा 7/2 = 3 - 2, और ये क्या आ रहा है 4 - 9, ऐसा आ गया तुम्हारा, ये 7/2 है, ठीक है, और प्लस करेंगे 2 से डिवाइड तो 0, 3/2 -3, -3/2 0, 2, 3 -2 0, यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, 11 में जस्ट 10 के तरह ही है हमारा, तो चलो देखो 10 के तरह 11 में हम लोग बना लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन ए इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास, थोड़ा ध्यान दो, 3 - 1 = 0, 2 - 0 = 3, 1 - 1 = 2, देन ए डैश देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देन ए डैश जो है वो क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम बना दो, 3 - 1 = 0, 2 - 0 = 3, 1 - 1 = 2, ऐसा आ गया, ठीक है। वी नो दैट ए इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए का वैल्यू 1/2 डालो, ब्रैकेट डाल रहे हैं, सबसे पहले तो ए लिख लेते हैं हम लोग, 3 - 1 = 0, 3 - 1 = 0, ठीक है, और 2 - 0 = 3, 1 - 1 = 2, प्लस ए डैश 3 - 1 -1 - 0 - 1 0 - 3 - 2, ठीक है, ऐसा प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, तो ए देखो क्या है तुम्हारा 3 - 1 = 0, 2 - 0 - 3, 1 - 1 = 2, माइनस 3 - 1 -1 - 0 - 1 0 - 3 - 2, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1/2, और ऐड कर रहे हैं 3 + 3 = 6, -1 + 2 1, ठीक है, और 0 + 1 = 1, 2 - 1 = 1, 0 + 0 = 0, 3 - 1 = 2, 1 + 0 = 1, -1 + 3 = 2, और 2 + 2 कितना रहा है 4, ये तो इस साइड हो गया। अब प्लस 1/2 इधर कर रहे हैं 3 - 3 = 0, -1 - 2 -3, ठीक है, और 0 - 1 तो -1 आ रहा है, 2 - - +1 = 3, 0 - 0 = 0, 3 - - +1 कितना आ रहा है 4, 1 - 0 = 1, -1 - 3 - 4, 2 - 2 कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। चलो 1/2 से सारे को मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो कितना आ गया ए इक्वल्स टू 3 1/2 1/2 1/2 = 0 1 1/2 = 1, और 4 का कितना आ गया 2, ऐसा आ गया, ठीक है, और प्लस यहाँ देखो 0 - 3/2 -1/2 3/2 0, और ये क्या है तुम्हारा 2 है, 1/2 है,
माइनस टू है और ये जीरो है, ठीक है। तो देखो हमारा आ गया एक सिमेट्रिक और एक स्प्लिट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्थान, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलो ये 11 नंबर हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं 12 भी सेम 11 के तरह का ही है, बहुत सारा क्वेश्चन सेम दे दिया है, ठीक है। तो देखो इसको भी बनाते हैं। गिवन ए इक्वल्स टू 3, 2, 5, 4 है, उसके साथ क्या है तुम्हारा 4, 1, 3, 0, 6, 7 ऐसा है, ठीक है। देन ए डैश क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ए डैश हो जाएगा 3, 2, 5, 4, 1, 3, 0, 6, 7 ऐसा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, वी नो दैट ए इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू 1/2 ए क्या है तुम्हारा 3, 2, 5, 4, 1, 3, 0, 6, 7 प्लस ए डैश क्या है तुम्हारा 3, 4, 0, 2, 1, 6, 5, 3, 7 प्लस 1/2 ए देखो क्या है तुम्हारे पास 3, 2, 5, 4, 1, 3, 0, 6, 7 और माइनस ए डैश क्या है तुम्हारे पास 3, 4, 0, 2, 1, 6, 5, 3, 7 ठीक है, ऐसा आ गया। तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू क्या हो रहा है 1/2, इन दोनों को ऐड करो 3 + 3 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और देखो यहाँ पे 2 + 4 भी 6, ये आ गया 5, 4 + 2 6 आ रहा है, 1 + 1 2, 3 + 6 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है, और ये 5 आ गया, 6 + 3 9 आ गया, 7 + 7 क्या आ गया 14 आ गया, प्लस 1/2 चलो माइनस करते हैं 3 - 3 क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 2 - 4 -2 आ रहा है, 5 - 0 5 आ रहा है, ठीक है, और 4 - 2 2 आ रहा है, 1 - 1 0 आ रहा है, 3 - 6 जो है -3 आ रहा है, 0 - 5 -5 आ रहा है, 6 - 3 3 आ रहा है, और 7 - 7 क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो चलो देखो ए इक्वल टू 1/2 से अपन लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो सारे में मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 इंटू 6 3 आ रहा है, 1/2 इंटू 6 3 आ रहा है, और ये 5/2 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये 1 आ गया, 9/2 आ गया, 5/2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, और ये 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सॉरी ये 9/2 आ जाएगा, ये वाला ये 9/2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 9/2 9 ठीक, ये 9/2 आ गया। अब प्लस यहाँ देखो क्या आ रहा है 0 माइनस 1 5/2 1/2 इंटू 2 1 आ जाएगा 0 आ जाएगा माइनस 3/2 माइनस 5/2 आ रहा है 3/2 आ रहा है और 0 आ रहा है, ये है तुम्हारा, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो चलो देखो ए का वैल्यू इतना आ गया हमारा एक सिमेट्रिक और एक स्प्लिट सिमेट्रिक, यही हमारा आंसर है। तो 12 बन गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा कि कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन ए जो है हमारे पास है 1, 3, 2, 4 एंड बी जो हमारे पास है वो है 1, 4, 2, 5 ऐसा है, ठीक है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स का इन ट्रांसपोज का, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो देन तो अगर ए बी है अपने पास तो ए डैश अपन लोग क्या लिख पाएंगे 1, 3, 2, 4 और बी डैश हम लोग क्या लिख पाएंगे 1, 4, 2, 5, ठीक है, ए डैश बी डैश। तो 9 हम लोग ए बी निकालते हैं पहले, तो ए बी तो ए क्या 1, 3, 2, 4 और बी क्या है तुम्हारा 1, 4, 2, 5 मल्टीप्लाई करने तो सबको आता ही है, दिखा ही चुके हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, 1 जा 1 और 3, 2 जा 6,
फोर वन जा फोर, और फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ठीक है, टू वन जा टू, फोर टू जा एट, फोर टू जा एट, फोर फाइव जा ट्वेंटी, तो कितना आ रहा है तुम्हारा, सेवन नाइनटीन टेन ट्वेंटी एट, ये आया ए बी। तो देन ए डैश ए बी का डैश, ए बी का डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए बी रहा इसका डैश, इसका इसका रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो सेवन नाइनटीन टेन ट्वेंटी एट, ये रहा इक्वेशन वन। एंड और अब सेकेंड पार्ट अपने को क्या दिखाना है, बी डैश ए डैश, तो चलो देखो बी डैश क्या अपने पास, बी डैश है वन टू फोर फाइव, और इंटू ए डैश, ए डैश क्या है तुम्हारा वन टू थ्री फोर, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, वन वन जा वन, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, फोर टू जा एट, फोर वन जा फोर, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फोर टू जा एट, अब फाइव फोर जा ट्वेंटी, तो देखो फाइनली कितना आ गया तुम्हारा ए डैश बी डैश, ये आ गया तुम्हारा सेवन टेन नाइनटीन ट्वेंटी एट, ये रहा इक्वेशन टू। तो फ्रॉम वन देखो अभी दोनों इक्वल आ गया ना फ्रॉम वन एंड टू से, तो फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, देखो हम लोग क्या देख रहे हैं इसको, ए बी का जो डैश है ना वो क्या है बी डैश ए डैश, और अपने को यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो किसी भी सम को पूरा डिटेल में लिख के बनाया करो, है ना, तो लोग सीखेंगे भी इसमें बनाने के लिए। तो ये थर्टीन का फर्स्ट था, देखो थर्टीन का सेकेंड सेम क्वेश्चन है उसी तरह का जैसा कि थर्टीन का फर्स्ट था, तो चलो देख लेते हैं। गिवन क्या है तुम्हारे पास, ए इक्वल्स टू थ्री माइनस वन टू माइनस टू, एंड बी का जो वैल्यू है वो देखो वन माइनस थ्री टू माइनस वन, ये ए बी दिया है, तो देन ए डैश इक्वल्स टू थ्री माइनस वन टू माइनस टू, एंड बी डैश देखो क्या आ रहा है तुम्हारा वन माइनस थ्री टू माइनस वन, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो नौ अपने को क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए लिख लेते हैं पहला थ्री माइनस वन टू माइनस टू, और बी क्या अपना वन माइनस थ्री टू माइनस वन, ठीक है। तो बेसिक प्लस टू, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थ्री वन जा थ्री माइनस वन इंटू टू माइनस टू, थ्री थ्री जा नाइन माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, टू वन जा टू माइनस टू और प्लस टू माइनस फोर, टू थ्री जा माइनस सिक्स, टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस टू, तो कितना आ रहा है हमारा ए बी वन टेन टू माइनस फोर माइनस टू और माइनस फोर, ये आ रहा है, ठीक है। तो देन अगर ए बी इतना है तो अगर हम लोग ए बी का डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो फोर, ये ले लो इक्वेशन वन आ गया, ठीक है। अगेन फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, बी डैश ए डैश ले रहे हैं, तो बी डैश देखो क्या है तुम्हारे पास, बी डैश है वन टू माइनस थ्री माइनस वन, और ए डैश कितने हैं तुम्हारे पास थ्री टू माइनस वन माइनस टू, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, थ्री वन जा थ्री माइनस टू, टू वन जा टू माइनस फोर, थ्री थ्री जा माइनस नाइन प्लस वन, थ्री थ्री जा माइनस नाइन माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है। तो ठीक है, नहीं कुछ हम लोग का गड़बड़ तो नहीं है, माइनस नाइन प्लस वन, सॉरी यहाँ पे थ्री थ्री जा माइनस नाइन होगा, माइनस नाइन प्लस वन, ये वाला चीज़ कितना आ जाएगा एट माइनस एट, ये वाला चीज़ माइनस एट हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये वाला मेरा माइनस एट, ध्यान देना ये वाला चीज़ माइनस एट है, ठीक है, तो माइनस एट आ रहा है, तो यहाँ चलो ठीक है, और माइनस सिक्स और प्लस टू, तो फाइनली कितना आ रहा है वन माइनस टू माइनस एट माइनस फोर, ये ले लेते हैं इक्वेशन टू। देखो तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, देखो हम लोग का क्या आ जाएगा, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, है ना प्रूफ। तो थोड़ा सा आदत हो गई है थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाने का, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो तुम लोग ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है।
और मैथ्स में इतना सा मिस्टेक तो वो होता ही है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। फिर भी कोशिश करना है कि एक्यूरेट बनाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 का सेकंड तक हो गया, अब थर्ड देखो। चलो 13 का थर्ड नंबर पर आते हैं। देखो सॉल्यूशन गिवन, वो क्या दिया होगा, ए इक्वल टू है तुम्हारे पास -1, 2, 3 एंड बी इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास -2, -1 और -4 ऐसा है, ठीक है। तो देन अगर हम लोग ए डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला -1, 2, 3 एंड अगर बी डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, -1, -4 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो 9 हम लोग का काम है पहले ए बी निकालना। तो ए क्या है तुम्हारा -1, 2, 3 और बी क्या है तुम्हारा -2, -1, -4। चलो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम -1 × -2, 2 -1 × 1, 1 -1 × -4, 4। फिर दूसरा रो पहला कॉलम -4, 2 × -1 − 2, 2 × -4 − 4। तीसरा रो पहला कॉलम -6, -3 और -2। ये ए बी, ठीक है। तो देन ए बी का डैश कितना आ जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज कर लेंगे इस वाले मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आ जाएगा 2, 1, 4 -4, -2, -8 -6, -3, -2, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। नंबर वन हो गया, अगेन फिर से देखो सेकेंड पार्ट चलते हैं हम लोग। बी डैश ए डैश, तो बी डैश जो क्या है तुम्हारे पास -2, -1 ये -2, -1, -4 और ए डैश क्या है तुम्हारे पास -1, 2, 3। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 × -1, 2 -2 × 2, -4 −2 × 3, -6 −1 × −1, 1 −1 × 2, -2 −1 × 3 −6 −4 × −1, 4 −4 × −2, -8 −4 × 3 −12। ये आ गया इक्वेशन 2। देखो तो दोनों सेम है, तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, देखो एक और दो से हमको क्या मिल रहा है, ए बी का डैश ये किसके बराबर है, बी डैश ए डैश के बराबर है, ठीक है। समझ में आया, तो थोड़ा सा ध्यान से तुम लोग देख लेना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 13 का 4 नंबर क्वेश्चन है, वही है, हमको ए बी का डैश दिखाना है, फिर से डैश ए डैश के बराबर है। तो चलो फिर से वही सारा काम करेंगे ध्यान में रखते हुए। तो चलो देखते हैं, सॉल्यूशन गिवन, देखो क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, ए जो है वो क्या है -1, 2, -3, 4, -5, 6 एंड देखो बी क्या है तुम्हारे पास 3 −4, 2, 1 −1, 0 ये। तो देन के डैश क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बना लेंगे, तो -1, 2, -3, 4, -5, 6 और बी डैश क्या है तुम्हारा आ जाएगा 3, 2, -1 और -4, 1, 0 ये आ गया तुम्हारा ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो अभी देखो 9 अपने को सबसे पहले ए बी चाहिए, तो -1, 2, -3, 4, -5, 6 इंटू बी देखो 3 −4 − 2 और ये है 1, 2, 1 और −1, 0 ऐसा है, ये वाला 1 है, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम −1 × 3 − 3, 2 × 2 + 4 − 3 × −1 + 3 ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम −1 × −4, 4 2 × 1 + 2 − 3 × 0
माइनस जीरो प्लस जीरो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन, सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स, ठीक है। अच्छा फिर देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फोर इंटू माइनस फोर माइनस सिक्सटीन, माइनस फाइव इंटू वन तो माइनस फाइव, और सिक्स इंटू जीरो कितना आ रहा है, प्लस जीरो, ठीक है। तो फाइनल देखो ए बी इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, अगर ध्यान से देखोगे तो ए बी इक्वल टू आ गया माइनस थ्री प्लस थ्री कट जाएगा, क्या बचा फोर, फोर टू सिक्स आ गया, और ट्वेल्व यहाँ माइनस सिक्सटीन, तो ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन कितना आ जाएगा, माइनस फोर, और ये माइनस ट्वेंटी वन, ये आ गया तुम्हारा ए बी। तो देन अगर हम लोग क्या करें ए बी का डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, फोर सिक्स माइनस फोर माइनस ट्वेंटी वन, ये रहा इक्वेशन नंबर वन। अगेन फिर से देखो बी डैश ए डैश इक्वल टू बी डैश, देखो कितना है तुम्हारा पास, थ्री टू माइनस वन माइनस फोर टू ज़ीरो, ठीक है। और ए डैश देखो कितना है तुम्हारे पास, ए डैश है माइनस वन फोर टू माइनस फाइव माइनस थ्री सिक्स। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, टू इंटू टू प्लस फोर, माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फोर थ्री जा ट्वेल्व, टू इंटू माइनस फाइव माइनस टेन, माइनस वन इंटू सिक्स माइनस सिक्स, ठीक है। और यहाँ देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस फोर इंटू माइनस वन फोर, और टू इंटू टू प्लस फोर जीरो, तो ये तो तुम्हारा माइनस फोर, ये तुम्हारा ठीक है, माइनस फोर इंटू टू इंटू टू फोर, तो हमारा कहीं सिक्सटीन फोर सिक्स, यहाँ पे कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, हमारा सिक्स आना चाहिए था, हमारा एट आ रहा है, तो यहाँ तो ठीक है, कहीं कुछ गलती नहीं लिखे ना। ए डैश, ए डैश माइनस वन फोर टू माइनस फाइव थ्री माइनस थ्री सिक्स, ठीक है। बी डैश बी डैश बी डैश थ्री टू माइनस वन माइनस फोर, सॉरी ये वन है, माइनस फोर वन है, ये वन, ठीक है, ये वन है, वन जीरो सही है। तो माइनस फोर इंटू वन माइनस वन फोर, वन इंटू टू कितना रहे टू, और जीरो इंटू कितना थ्री माइनस जीरो। फिर देखो माइनस फोर इंटू फोर माइनस सिक्सटीन, वन इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव, और जीरो इंटू सिक्स प्लस जीरो, ठीक है। तो चलो देखो अब हमारा क्या आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, तो हमारा कितना आ गया, माइनस थ्री प्लस थ्री खत्म, फोर बचा, सिक्सटीन में ट्वेल्व या माइनस फोर बचा, और फोर टू कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है, और ये आ रहा है माइनस ट्वेंटी वन, ये रहा नंबर टू। देखो तो ए बी का डैश और बी डैश ए डैश दोनों बराबर है, ठीक है, यहाँ ये दोनों देखो बराबर है। हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, हम लोग को क्या मिल रहा है, ए बी का डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, और यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 14 नंबर है हमारे पास क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, ए दिया हुआ है, अपने को प्रूफ करना ए डैश का डैश इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। गिवन ए इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड ए डैश देखो क्या है तुम्हारे पास, अच्छा एंड नहीं, देन लिख दो, देन ए डैश क्या हो गया तुम्हारे पास, ए डैश हो रहा है तुम्हारा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ए डैश इतना आ गया। नौ, अब अपने को निकालना क्या, प्रूफ क्या करना है, ए डैश ए, ए डैश पहले लिख लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, और ये क्या है तुम्हारा कॉस अल्फा, और ए क्या है तुम्हारे पास देखो तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहला रो पहला कॉलम कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस
माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इससे कॉस अल्फा साइन अल्फा, और माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ से देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ से देखो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा है और ये भी क्या है तुम्हारा साइन अल्फा कॉस अल्फा है, ठीक है। तो ध्यान दो ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। यहाँ भी साइन अल्फा कॉस अल्फा कट जाएगा। देखो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा वन, ये तो बचा जीरो, ये बचा जीरो और ये वन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आई, और यही अपने को क्या करना था प्रूफ करना, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। सॉल्यूशन कह रहा है ए दिया हुआ है, राइट ए ए डैश। तो गिवन देखो ए जो है तुम्हारे पास वो है तुम्हारा 1 2 3, ठीक है। देन तो अगर हम लोग ए डैश लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3, समझ में आया बात। तो नो ए ए डैश, तो ए रहा ये 1 2 3 और ए डैश रहा 1 2 3। तो सिंपल बात है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो इसमें एक रो इसमें एक कॉलम, ठीक है। ये 1/3 का मैट्रिक्स है, 3/1 का मैट्रिक्स है, आंसर तो 1/1 का आएगा ना, ये दोनों इक्वल है, ये देखो 1/1 का आएगा। कर लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 = 1, 2 2 = 4 और 3 3 = 9। तो फाइनल आंसर आ रहा है 9 1 10 4 14, ठीक है। यही हमारा क्या रहा आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज बना लिया। तो आज हम लोगों का क्या हुआ एक्सरसाइज तुम्हारा 5D फिनिश कर लिया हम लोग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, इससे आगे का एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से बनाइए, है ना। चलिए बाय।